सेम यूथ मैच्योर में. बट हम लोग जानते हैं कि कोई भी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैन नॉट थ्रू द एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस विल फॉर्म इन अ डे और नॉट एक्सोजेनेटिक फोर्सेस विल गिव एन अ व्हाट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस. दोनों मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं देंगे. बोथ विल टेक लॉन्ग टाइम. हिमालयन फॉर्मेशन लॉन्ग टाइम, ऑक्सबो लेक फॉर्मेशन लॉन्ग टाइम, वी शेप वैली फॉर्मेशन लॉन्ग टाइम, यू शेप वैली फॉर्मेशन लॉन्ग टाइम, एवरीवन विल टेक लॉन्ग टाइम. सो ये चार चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, स्टेज एंड टाइम. स्ट्रक्चर, क्लाइमेट, स्टेज, टाइम. टोपोग्राफी एंड टोपोग्राफी के लिए क्या बोला था, स्लोप एंड रिलीफ. स्लोप एंड आई सेड द स्लोप हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द रेट ऑफ इरोजन एंड वेदरिंग. है कि नहीं, स्टीपर द स्लोप, स्लोप इज इन अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. मीन्स व्हाट आई सेड दैट इरोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्लोप. मोर स्लोप मोर इरोजन. स्टीपर द स्लोप, यस और नॉट. सो देयर इज एन, आई सेड दैट there is a direct relationship between the rate of erosion and weathering. Understood it? So, if the slope is steeper, the intensity of weathering is greater, but over the horizontal slopes, more depositional work can be seen. Horizontal slope pe kya hota hai? Weathering, erosion hoga, lekin us pe jyada deposition. Fair is clear? If I am talking about which part of Himalaya is more prone to weathering according to this? Eastern Himalaya is highly uplifted. Eastern Himalaya is, why it is highly uplifted? Yes, Mount Everest is in the Eastern Himalaya, in the Western Himalaya. So why Eastern Himalaya is highly uplifted than Western Himalayas? Do you know momentum, mass into velocity? Jante honge? Mass into velocity, do you know that? A cycle, you are moving in a cycle with 1 meter per second and you are moving in a truck with 1 meter per second. Who has more momentum? Killer. Understood? And word inertia aapne padha hoga. Inertia word jante hai na? Inertia is the inherent property of the body having mass. Jisme mass hoga, usme inertia hoga. Yes? Chalne wali cheez chalte rehne chahegi, ruke wali cheez. जिसमें ज्यादा मास उसमें ज्यादा इनर्सिया. ट्रक को छोड़ दो तो उसको रोकना मुश्किल है, चला दो रोकना मुश्किल है. एंड साइकिल को चला दो तो रोकना इजी है. तो किसमें ज्यादा इनर्सिया है? ट्रक में. अंडरस्टूड इट? सो आई सेड दैट जिसमें आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन. अ बॉडी वॉन्ट्स टू व्हाट इज इन द रेस्टेड पोजिशन रिमेन ट्राई टू बी इन द रेस्ट पोजिशन. इफ ए बॉडी इज इन अ मूविंग देन इट विल कीप ऑन मूविंग अंटिल अनलेस एनी अनबैलेंस फोर्सेस अप्लाइड. ये पढ़ा था ना आपने इनर्सिया का. जनरली मैं यदि किसी से पूछता हूँ इनर्सिया क्या है तो ये बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में डेफिनेशन इनर्सिया है, इनर्सिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी हैविंग मास. मास से समझ में आता है कौन चलता रहेगा कौन कम चलेगा. सो आई सेड दैट यहां पे मोमेंटम वर्ड है. यहां पर आप लोग हिमालयन फॉर्मेशन में समझेंगे, आपने देखा था कि इंडियन गोंडवाना प्लेट ऐसे जा रहा एंड फर्स्ट इसकी एक मोमेंटम होगी. Yes or not?
एंड देन होल बॉडी हैज एन मोमेंटम. और ये क्या हुआ, इट हैज गॉन लाइक दिस. और ये फर्स्ट कौन सा सेक्शन टकराया, वेस्टर्न सिंटैक्शन बैंड. सिंटैक्शन बैंड कहने का मतलब है दिस काइंड ऑफ टर्न, यू टर्न. तो यहां पे कैसा टर्न नजर आ रहा, यू टर्न, वेस्टर्न सिंटैक्शन इन ईस्टर्न. तो फर्स्ट विच वन विल स्ट्राइक, ईस्टर्न. सो विच सेक्शन विल स्टॉप, वेस्टर्न और ईस्टर्न, कौन सा हिमालय का पोर्शन रुक जाएगा, वेस्टर्न और ईस्टर्न, वेस्टर्न. यदि मैं सपोज करूं इफ आई एम मूविंग, तो मैं मूव कर रहा हूं, तो सबसे पहले मेरा कौन सा पोर्शन टकराएगा, दिस पोर्शन. तो मेरे में एक मोमेंटम है, डू आई हैव मोमेंटम और नॉट, आई हैव ए मोमेंटम बट दिस. सो आई हैव ए 100 मोमेंटम सपोज, 100 यूनिट ऑफ मोमेंटम एंड आई एम कमिंग, लेकिन इसके वजह से इतना मास रुक गया, बट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ये रेस्ट मास, अब ये मास कम है. आप ये सोचो मास इनटू वेलोसिटी, m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2, आप लोग 9th और 10th में पढ़े हैं. और ये कितना है, 100. मास कितना था पहले, सपोज करो 20 एंड यू आर मूविंग विद 5, या सपोज करो मास इज 100 मूविंग विद 1. लेकिन कुछ देर के बाद क्या हुआ, आपका आधा मास रुक गया, हाफ मास हैज बीन स्टॉप्ड, हाफ मास हैज बीन स्टॉप. तो अब मास कितना हो गया आपका, 50. तो स्पीड कितनी होगी, तो बचे हुए सेक्शन की स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई. सो दिस सेक्शन विल मूव फास्ट नाउ, यस और नॉट. एंड देन व्हेन इट इज कमिंग लाइक दिस, आई सेड व्हेन इट इज कमिंग लाइक दिस, सो एज पर द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वेस्टर्न सिंटैक्शन बैंड हैज बीन क्लॉग्ड, रेस्ट ऑफ द व्हाट इंडियन गोंडवाना प्लेट to the slam setting of the door phenomena, and this side the Himalaya has been highly uplifted. So where is the steeper slope, eastern Himalaya. Where is more weathering, where is more erosion, eastern Himalaya naturally. Lekin aaj ke date mein western Himalaya mein ho raha hai, kyunki eastern Himalayas mein forest zyada hai and western Himalaya khatam kar diya gaya due to industrialization, urbanization, tourism industry. Aapke reason mein forest hai hi nahi, khatam kar diye lagbhag. So there, what is an exposed? अभी पानी का example दिया था ना, पानी will fall down. So there is an what is an anthropogenic factor make the naturally eastern Himalaya is more prone to what is I said that landslide, but anthropogenic factor make the western Himalaya to be more prone to landslide. So I said that, हमने क्या बोला? So I said that for example, the steeper slope along the western coast of India have led to the greater incidence of landslide and rock fall in the western ghat. Western ghat bhi kya hai? Abhi bataya maine. Yes, steeper slope hai. Lekin yadi Himalaya aur western ghat ki baat ki jaye, to who is more prone to landslide? Who is harder rock? Ab aapko yahan ye sochna hoga. Western ghat is harder rock or Himalaya is harder rock? Western ghat is harder rock. एंड हिमालय इज ए सेडिमेंट्री रॉक, और दोनों स्टीपर स्लोप है, तो कौन ज्यादा प्रोन है? हिमालय इज मोर प्रोन टू लैंडस्लाइड. अभी मैं किस स्टीपर की बात कर रहा हूं तो दोनों ही को मैं बोलूंगा, लेकिन मैं अंदर की बात नहीं कर रहा हूं. यदि क्वेश्चन होता, वंस द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड दिस वन, हिमालयन एंड व्हाट इज ना वेस्टर्न घाट लैंडस्लाइड comparison, this question has been asked. तो समझ में आ रहा है, और क्वेश्चन आ जाए वेस्टर्न हिमालय ईस्टर्न हिमालय, तो उसके अनुसार से आप आगे आंसर करेंगे, लैंडस्लाइड आपको पढ़ाया जाएगा. The amount of available relief and degree of dissection are both bound to affect the slope form, and high relief increases erosion which weighs down the topography. और इसमें gravity का भी role play करने लग जाएगा, high relief will have more gravity. Understood? Add कर लेंगे. So steeper the slope, rate of erosion is high, and less the slope, rate of erosion is less. But I said that if steeper the slope, slope is more steeper, then the less steeper slope act as in a deposition of deposition. Yes or not? Aur isko bolte hai talus deposits. Kaun sa deposits bola jata hai? जो ऊपर से पार्टिकल गिरे और नीचे. सो देर इज एन व्हाट मोर इरोजन ऑन द स्टीपर स्लोप, बट ऑन द जेंटल स्लोप्स व्हाट इज हैपनिंग,
एंड वेरी लेस स्लोप इट इज व्हाट इज हैपनिंग डिपोजिशन एंड दैट इज नॉन एज एन व्हाट टैलस टी ए डबल एल यू एस अंडरस्टूड द अमाउंट ऑफ लेबर रिलीफ एंड डिग्री ऑफ डाइजेशन आर बोथ बाउंड टू अफेक्ट स्लोप फॉर्म तो रिलीफ एंड डिग्री ऑफ इरोशन दोनों ही क्या करेंगे बोथ बाउंड टू अफेक्ट स्लोप फॉर्म High relief increase more erosion and wears down the topography. So which are we have seen? Tell me. Structure, climate, temperature, pressure, and then stage, time, topography, and in which slope and relief. समझ में आ चुका है? दोनों अपने आप में. Relief will be high, slope is steeper, more rate of erosion. Relief is low. Less erosion. Gravity. Landslide का definition में gravity role play करता है. कौन गिरता है? कौन सा rock गिरेगा ऊपर से? Weathered rock. जो rock टूट गया है, अब उसको थोड़ा सा earthquake आया, under the gravity started falling down. तो उसको क्या बोलते हैं? Landslide. अर्थक्वेक हुआ और अचानक आप वहां क्या कर रहे हैं डैम बना रहे हैं एंड देन सम ब्लास्टिंग तो ऊपर का वेदर रॉक समझते हैं ना टूटा हुआ रॉक इन इट सिटू दे विल स्टार्ट सो सिंपली यही होता है लैंडस्लाइड का जो डेफिनेशन होता है लैंडस्लाइड का डेफिनेशन इट इज एन अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वेदर पार्टिकल्स ऑफ रॉक अंडर द पूल ऑफ ग्रेविटी अंडर द पूल ऑफ थ्रू द मीडियम ऑफ एयर वॉटर एंड आइस सो यहां से मूव करता है सो मास मूवमेंट का मतलब क्या है व्हाट इज द मास मूवमेंट बस ये लैंडस्लाइड ही है और हमारे हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में भी लोग मास मूवमेंट नहीं कहते हैं क्या कहते हैं लैंडस्लाइड सो एक्चुअली इट इज इन अ मास मूवमेंट लैंडस्लाइड इज एक्चुअली एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज मास वेस्टिंग मास मूवमेंट एंड मास वेस्टिंग बोथ आर सेम एंड इन द इंडिया एंड व्हेन वी आर टॉपिंग रीडिंग द टॉपिक इट इज इन इटसेल्फ इन अ लैंडस्लाइड So it is in a what? Downfall movement of, downward movement of weather particles of rock under the pull of. So the mass movement is in a downward slope transfer of material through the direct action of gravity. Samajh mein aa gaya mass movement? The process can be rapid like landslide or imperceptibly slow as a creep of soil and down the gentle slope of gravity covered field. What is creep? What is creep? CREAP. माउंटेनस रीजन में पीपल लोग सुने होंगे व्हाट इज अ क्रीप टॉप सॉयल स्लो मूवमेंट ऑफ टॉप सॉयल को क्या बोला जाता है तो आप लोग को पढ़ना है वी हैव टू रीड फ्लो फ्लो सोलिफ्लक्शन वी हैव टू रीड फॉल वी हैव टू रीड आई सेड दैट स्लम्प एंड देन एंड इन द फ्लो डेब्रिस फ्लो मड फ्लो अर्थ फ्लो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई teach you and उसी में एक आता है फिर लास्ट वन creep creep माउंटेनस रीजन में होता है जस्ट एक आइडिया केवल दे रहा हूं कभी आपने सपोज करो ये लेयर है एक आइडिया दे रहा हूं और यहां पे soil के अंडर में क्या होता है what is there in the soil water in the colder region this water will crystallize कोल्डर रीजन में कोल्डर टाइम में क्या होगा वाटर विल क्रिस्टलाइज और क्रिस्टलाइज वाटर की वॉल्यूम 9% मोर है तो ये लैंड को क्या करेगा उठा देगा एंड इन द समर टाइम टेम्परेचर डिक्रीजेस तो ये लैंड ये वाटर मेल्ट होगा तो उठाया इसने ऐसे परपेंडिकुलर टू द लैंड लेकिन गिरेगा तो अंडर द ग्रेविटी नीचे आएगा तो अंडर द नेक्स्ट तो ये पार्टिकल्स यहां से उठकर यहां आया और ये पार्टिकल फिर यहां आ गया फिर अगेन इट विल अपलिफ्ट और इन द कोल्डर टाइम आइस क्रिस्टल फिर ये मेल्ट होगा तो धीरे धीरे ये पार्टिकल्स क्या होता जा रहा है तो वेरी स्लो मूवमेंट ऑफ एन अ टॉप सरफेस ऑफ द सॉयल इन द माउंटेनस स्लोप इज नोन एज क्रीप और ये होता है अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग ये सारा कुछ पढ़ाया जाएगा
पूरी आप ये जो आज की क्लास देख रहे हो ये पूरी जियोमॉर्फोलॉजी है, अंडरस्टूड, ये पूरी जियोमॉर्फोलॉजी का कुछ कुछ पार्ट है यहाँ पर, लेकिन इतना भी समझ गए तो आप लोग तो बच्चे स्ट्रक्चर प्रोसेस में ही फंसे रहते हैं. सो आई सेड दैट व्हाट इज द मास मूवमेंट, मास मूवमेंट इज लैंडस्लाइड इज व्हाट, यस टेल मी, कौन सा पार्टिकल गिरेगा, ज्वाइंट पार्टिकल और वेदर पार्टिकल, वेदर पार्टिकल, इट इज एन व्हाट डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वेदर पार्टिकल्स ऑफ रॉक अंडर द पुल ऑफ ग्रेविटी. और कैसे मूव करेगा, यदि ये रॉक ऐसा है और ऊपर से ऐसे गिर गया तो थ्रू द एयर, और पानी के साथ भी आ सकता है और आइस के साथ भी, थ्रू द मीडियम ऑफ एयर वाटर एंड आइस. समझ में आ गया, अंडर द पुल ऑफ ग्रेविटी आई हैव सेड इट इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ व्हाट, वेदर पार्टिकल्स ऑफ रॉक अंडर द पुल ऑफ ग्रेविटी थ्रू द मीडियम ऑफ एयर वाटर एंड आइस. रॉक मटेरियल में मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आइदर इज अ मूवमेंट वेदरिंग प्रोडक्ट्स डाउन ए स्लोप और मास मूवमेंट रॉक अलोंग द ज्वाइंट प्लेन्स बेडिंग प्लेन्स. ये सारा चीज इससे कहीं ज्यादा आप समझेंगे, कम से कम बहुत सादा मैं समझाता हूं, मतलब क्वेश्चन आपसे छुटे नहीं. एंड लास्ट ईयर व्हाट आई टॉट 95% क्वेश्चन इन द एग्जाम. अनुशूल बायोटा, बायोटा के बारे में पहले ही मैं समझा चुका हूं, फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग को कैसे हेल्प करता है. प्रोसेस यू नो दैट एंडोजेनेटिक फोर्स एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स एंड देयर इज एन रेट ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्स. सो विच आर द फैक्टर्स controlling the landform development, the structure, climate, stage, yes, time, then topography, gravity, and then biota, space, किसी भी space में plateau, mountains and anywhere, and then I said that process, and which are process? Endogenetic and exogenetic. Understood it? Killer and last my rate of endogenetic processes. So killer ho chuka hai and structure sabse bada tha, aap log samajh mein aa raha hai. And bahut sari cheeze jo hai aap log over the period aur concrete karenge, lekin aaj jitna samajh mein aa gaya isse bhi aap acche se likhiyega. Lekin diagram, अगेन आई सेड दैट, आप लोग कुछ लोग डायग्राम नहीं बना रहे थे, बहुत सारे डायग्राम है कहाँ पे इंडिया का मैप कहाँ क्या हो रहा है कैसे हो रहा है. आई नो द एवरी पार्ट्स ऑफ इंडिया व्हाट इज हैपनिंग, घुमा नहीं हूं लेकिन फील कर चुका हूं वो है क्या. अंडरस्टूड, सो आई सेड दैट स्ट्रक्चर में क्या क्या याद है आपको, फास्ट में बोलूंगा. स्ट्रक्चर में क्या था, टेक्टोनिक फिजिकल केमिकल एंड देन टेक्टोनिक में फॉल्ट फोल्ड फॉल्ट फोल्ड, फॉल्ट इज मोर प्रोन, fault, fold, crack, fissures, rift, joints, and then what I said that? Bedding plane. And then I said that in the physical, hardness, density, rock massiveness, permeability, porosity, and then solubility, and then texture. We have seen also. And then thereafter we have seen chemical. In the chemical, I said that types of rock, and then types of rock, igneous, sedimentary, metamorphic, and in the... I said arrangement of rocks, faulted, domed, folded, monoclinal, and I said that horizontal. And horizontal one, I said that horizontal ho ya vertical ho. Vertical is more prone, bedding plane aisa ho or aisa ho. To kaun jaldi hoga? Aisa hoga. Aur yadi aisa hoga to step-like structure, differential erosion. Perhaps you remember. And thereafter I talked about and composition of minerals and crystalline structure. Crystal kaise help karta hai? Yadi ek bar crystal open ho gaya, air entry kar liya, it is not a hard rock. Yes or not? It can easily prone to weather and erosion. Then we have seen what I said. Next is climate, and the climate mein temperature and rainfall. Jahan pe rainfall hota hai, wahan pe rainfall is doing the weathering. And in the desert region, temperature is playing an important role. That we have seen, like so many examples we have seen. And thereafter, desert may everything convert into finally, chai wo kaisa bhi rock or desert. Understood? Everyone will take different time. And thereafter, we have seen, temperature and pressure. Lekin indirectly is also there, vegetation and soil. Then I talked about, maine kya bola? Stage. Youth,
मैच्योर एंड ओल्ड स्टेजेस एंड स्टेज इज इन अ यूनिट ऑफ टाइम मेजरमेंट बट इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यस एनर्जी लेवल एंड